मैं शिवाय, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। पितृ पक्ष में आप राहु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। राहु एकमात्र ऐसा मायावी ग्रह है जो आपके जीवन में कई सारी तकलीफें और परेशानियां ला सकता है, और अगर वर्तमान में किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो राहु के ये चमत्कारिक उपाय अगर आप पितृ पक्ष में करेंगे तो राहु को शांति मिलेगी। काल सर्प दोष से, पितृ दोष से भी, और साथ ही साथ आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि हमेशा रहेगी। दोस्तों, राहु से जुड़े हुए जितने सारे आपको दोष हैं उन सभी का समाधान आप इस पितृ पक्ष में कर सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि राहु से जुड़े हुए जितने सारे दोषों का इस पितृ पक्ष में निवारण। आप सभी का चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें हर हर महादेव, जय शिव शंभो। आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चली रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी भी प्रश्न को लेकर परेशान है, कोई चीज़ें या जो आपका सही तरह से नहीं हो पा रही है या जीवन में कई सारी परेशानियां, तो एक बार जरूर आप अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, आपकी समस्या का समाधान सकारात्मक तरीके से मिलेगा। सबसे पहला उपाय जो आपको करना है कि आपको इस दरमियान राहु के जप करवाना है। पितृ पक्ष में राहु के गुप्त जप आप करवा सकते हैं, जिन जपों को करवाने से आप अपने जीवन में राहु संबंधी शिकायतों से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि राहु आपको गोपनीय तरीके से और मायावी तरीके से जीवन में तकलीफ प्रदान करता है कि परेशान है लेकिन उसकी वजह तक हम नहीं पहुंच पाते। दूसरा है, शिव जी को नियमित आपको इत्र लगाना होगा। इस पूरे पितृ पक्ष में शिव जी को नियमित इत्र लगाने से आपकी जितनी सारी परेशानियां राहु से जुड़ी हुई है उनसे भी आपको छुटकारा बहुत जल्द मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय।